हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TMS होम एजुकेशन यूनिट 3 डे 5 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले देख लेंगे जो हमने होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें होमवर्क में क्या मिला था, है ना। तो होमवर्क में आपने क्या किया है, कर लिया या नहीं किया, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने दिया था वर्कशीट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से शब्दों को ढूंढकर, खोजकर, चुनकर यहाँ पर लिखना है ना। तो मैं बिस्तर रखा जाता है तो शयन कक्ष, तो क में शयन कक्ष आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शयन कक्ष, शयन कक्ष। मेहमान बैठक कक्ष में क्या करते हैं, बैठते हैं। बैठक कक्ष में मेहमान क्या करते हैं, बैठते हैं। सब्जियां रसोई घर में रखी जाती हैं। भंडार घर में अनाज रखा जाता है। फिर स्नान घर में पानी रखा जाता है। इस तरह से आप सभी ने वर्कशीट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है तो वो ये देखकर कर लेंगे। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही अच्छा खेल खेलने वाले हैं, जिसको खेलकर आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ जानवरों के या पक्षियों की आवाजें सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको मुझे बताना है कि ये आवाज किसकी है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर आवाज सुना देती हूँ और गूगल मीट में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किसकी आवाज सुनी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। Ah!
तो बच्चों अभी हमने कुछ आवाजें सुनी, तो आपको इन आवाजों से अच्छे से पहचान लेना है, क्योंकि मैं गूगल मीट में आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने इसमें किन किन चीजों की आवाज सुनी है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जिस तरह से अभी मैंने आपको एक ऑडियो सुनाया था, उसी तरह से अब मैं आपको एक दूसरा ऑडियो बोलूंगी, जिसको आपको बिना चीटिंग किए, बिना किसी के हेल्प लिए आपको अपने से लिखना है। मैं यहाँ पे जो भी वर्ड बोलूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं आहा। जो ये मैंने बोला है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, बिना चीटिंग किए, ताकि मैम को भी पता चले कि आपको लिखना आया है या नहीं आया है, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम एक और कहानी सुनने वाले हैं, और जिसको सुनकर आपको चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। आज तो हमारी कितनी सारी एक्टिविटी है ना। आज तो हमारा पूरा दिन एक्टिविटी एक्टिविटी ही है, बट हम उस एक्टिविटी से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, है ना। तो हम कहानी सुन लेते हैं। चित्रकारी की कहानी। एक बड़ा सा मैदान था। मैदान के बीच में एक आम का पेड़ था। पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। पेड़ के ठीक पास एक घर था। घर में एक दरवाजा था। दरवाजे के दोनों तरफ दो खिड़कियां थी। घर की छत से एक लड़का पेड़ पर लगे आम को देख रहा था। आगे सोचकर बताइए, लड़के ने आम को देखकर क्या किया होगा। तो बच्चों अभी हमने जो ऑडियो सुना है उसमें से आपको चित्र बनाना है कि उसमें क्या क्या बोला गया है, किस तरह से। तो हमें उसका एक चित्र बनाना है, यानी कि एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है। ओके, तो ये भी हम अपनी गूगल मीट में करेंगे, और गूगल मीट में अगर नहीं होता है तो हम घर पे भी कर सकते हैं इसको, पेरेंट्स की हेल्प लेके, है ना। ओके, तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क देख लेंगे हम। तो आपको आज करना है इकाई 3 की वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 और 2। तो आपको ये होमवर्क में करना है, वर्कशीट नंबर 4, प्रश्न नंबर 1 और 2। तो चित्रों के नाम बोलिए और नाम के पहले व्यंजन को उनसे मिलाइए। तो आपको यहाँ पर जो व्यंजन दिए हुए हैं और जो पिक्चर दिए हैं उनको उनके व्यंजन से मिलाना है। और प्रश्न 2 में क्या करना है, बिंदियों को मिलाकर वर्णों को लिखिए। तो यहाँ पर पहले ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद में नीचे भी आपको यही लिखना है, क ख ग घ अंगा। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट करनी है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने एक कहानी सुनी थी, तो कहानी में आपको जो चित्र बनाना है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से वो चित्र बना सकते हैं। और आपने जो चित्र बनाया है उसको आप क्या नाम देंगे, तो उसको एक नाम भी देना है। ओके, चलो अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।